तो अगर आप भी एक क्रिकेट लवर हैं, तो आपको क्रिकेटर्स पर बनी ये 5 बायोपिक मूवीज जरूर देखनी चाहिए। तो इस लिस्ट में जो मूवी नंबर 5 पर है उसका नाम है 83। इस फिल्म के लीड रोल में है रणवीर सिंह, जिन्होंने इंडिया को 83 का वर्ल्ड कप जिताने वाले कैप्टन कपिल देव का किरदार निभाया है। इस मूवी में 1983 वर्ल्ड कप की कहानी दिखाई गई है कि कैसे कैप्टन कपिल देव और इंडियन टीम ने मिलकर 2 बार चैंपियन रही वेस्ट इंडीज को हराकर इंडियन टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाया। तो अगर आप 1983 वर्ल्ड कप की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो ये मूवी आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार दोनों पर मिल जाएगी। नंबर 4 पर है कौन प्रवीण तांबे। इस मूवी में क्रिकेटर प्रवीण तांबे की स्टोरी दिखाई गई है कि कैसे एक क्रिकेटर 41 साल की एज में IPL से अपना डेब्यू करता है। और इस फिल्म में प्रवीण तांबे का कैरेक्टर प्ले किया है श्रेयस तलपड़े ने। तो अगर आपको भी ये लगता है कि आपकी एज हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो आपको ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए। इस मूवी को आप Disney+ हॉटस्टार पर देख सकते हैं। नंबर 3 पर है शाबाश मिठू। इस मूवी में हमारे वुमेन क्रिकेट की फॉर्मर कैप्टन मिथाली राज की जर्नी दिखाई गई है, जिसमें मिथाली राज का किरदार निभाया तापसी पन्नू ने। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 2 अजहर। ये मूवी हमारे फॉर्मर क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन की लाइफ पर बेस्ड है, जिसमें दिखाया गया है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन मैच फिक्सिंग में फंसते हैं और फिर कैसे बाहर निकलते हैं। साथ ही मूवी में उनकी लव लाइफ को भी हाइलाइट्स किया गया है। इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे इमरान हाशमी और ये मूवी यूट्यूब और नेटफ्लिक्स दोनों पर अवेलेबल है। नंबर 1 MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। इस मूवी में MS धोनी की बचपन से लेकर वर्ल्ड कप जीतने तक की स्टोरी को हाइलाइट्स किया गया है, जिसमें MS धोनी का किरदार निभाया सुशांत सिंह राजपूत ने और उनकी वाइफ साक्षी का Kiara अडवाणी ने। तो अगर आप MS धोनी की पूरी जर्नी देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपके लिए बेस्ट है। ये मूवी आपको Disney+ हॉटस्टार पर मिल जाएगी। तो अगर इनमें से आपने कोई भी मूवी देखी है तो उस मूवी का नाम कमेंट करो।